हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड वाला यानी कि सोनू भैया का हीरोपंती 2 का रिव्यू देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अगर आप लोग हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखते हो जो कि ट्रू इंसिडेंट पे इंस्पायर, यानी कि प्लेन क्रैश और उसके सेफली लैंडिंग के ऊपर बनाई गई मूवीज आप लोगों ने देखी है, तो रनवे 34 आपको ओके लगेगी। लेकिन अगर बॉलीवुड और हिंदी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मूवी हमें रिलीफ देती है, और स्पेशली अगर वो मूवी अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की तरफ से आए तो यार देखने का मजा ही दुगना हो जाता है। लेकिन ये मूवी पूरी तरह से अच्छी नहीं है, क्यों वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। कहानी ये है कि कैप्टन विक्रम जो कि फिलहाल दुबई में है और इसकी नेक्स्ट फ्लाइट है दुबई से कोची की, लेकिन उससे पहले एक रात पहले ये मस्त अपने दोस्त के साथ ड्रिंकिंग स्मोकिंग यानी फुल पार्टी मना लेता है। अब ऐसे में दिल्ली से कोची जाने वाली फ्लाइट में ऐसा क्या होता है जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा है, एज ऑफ द सीट रखता है और हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज की है और VFX बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इसके सेकेंड हाफ की बात करें तो वह लिटरली स्ट्रेचिंग लगता है, बोरिंग लगता है। और सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगा कि यार जो फर्स्ट हाफ ने जो चीज़ें क्रिएट की सेकेंड हाफ ने वो कहीं ना कहीं खत्म की है, तो इस वजह से मुझे मूवी ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी ये मूवी वन टाइम वॉच है। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो यार यहाँ पर प्लेन है तो प्लेन में ऑब्वियसली पैसेंजर्स होंगे ही, तो उन पैसेंजर्स में हमें कैरी मिनाटी भी नजर आता है। और कैरी मिनाटी के लिए तो एक ही चीज बोलूंगा कि एज ए यूट्यूबर कैरी के लिए ये एक अचीवमेंट है कि किसी बॉलीवुड की बड़े स्टार की मूवी में नजर आना। हालांकि अजय देवगन के साथ उनका कोई भी सीन नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन वाला सीन नहीं है, लेकिन फिर भी कैरी को देखकर अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया। अगर आप लोगों ने द बर्निंग ट्रेन मूवी देखी थी तो उस पर्टिकुलर मूवी में जो पैसेंजर्स के रोल थे वो ज्यादा बड़े थे और वो उससे ऑडियंस इजीली कनेक्ट हो पा रही थी, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर्स को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जो कि मुझे थोड़ा सा माइनस लगा। उसके अलावा अगर अजय सर के कैरेक्टर की बात करें तो उनको अच्छी तरह से लिखा गया। उसके अलावा अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह, इन सारे कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से लिखा कि ऑडियंस को देख कर मजा आएगा। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो VFX अच्छा है, BGM अच्छा है, और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर कुछ हट के अलग परफॉर्मेंस देने की कोशिश नहीं की है। मतलब उन्होंने वैसा ही परफॉर्मेंस किया जैसे वो इतने सालों से करते आए, मतलब कुछ यूनिकनेस तो नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, इनके परफॉर्मेंस देखकर आपको ओवर एक्टिंग भी नजर नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रकुल प्रीत सिंह का भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, मतलब वो रोमराट वाला परफॉर्मेंस था, ठीक था, जैसा भी था अच्छा ही था। ओवरऑल अगर आपको ये पर्टिकुलर मूवी जाके देखी तो यार डेफिनेटली जाके देखो आपकी फैमिली के साथ। इसमें अश्लील कुछ भी नहीं लगा मुझे। पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। ये कोई मास्टरपीस, ये कोई यूनिक मूवी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग इस हफ्ते कोई मूवी देखने आते हो बॉलीवुड की तो ये मूवी आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए हीरोपंती के बजाय। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।